नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। विनेश फोगाट ने ओलंपिक के गोल्ड मेडल मैच से डिस्क्वालीफाई होने के बाद बड़ा फैसला लेते हुए कुश्ती से अपने संन्यास का ऐलान किया है। लेकिन जिस तरह से विनेश ओलंपिक में गोल्ड मेडल के मैच से बाहर हुई, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा और गम का माहौल है। खेल प्रेमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस, सपा और दूसरी पार्टियां जांच की बात कर रही हैं। मोदी सरकार एक बार फिर फेल हुई। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। कहीं ना कहीं मुझे तो दाल में भी कुछ काला लग रहा है। अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? सबके लिए एक आश्चर्यजनक बात है। 100 ग्राम और से मैटर से लौट। कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके साथ, कोई साजिश हुई है? बहुत ही दर्द का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे, हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। देश ने ये प्रूव कर दिया है, उनका दबदबा था, दबदबा है और आने वाले समय में दबदबा रहेगा। रेसलर विनेश फोगाट गोल्ड की चौखट पर पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से गेम से बाहर हो गए, जिससे करोड़ों खेल प्रेमियों का गोल्ड का सपना टूट गया। वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कैसे हो गया। जिस खिलाड़ी ने एक दिन में पहले 3-3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को धूल चटाई, उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? जब विनेश ने एक के बाद एक करके 3 पहलवानों को हराया था, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तब भी शाबाशी दी, और जब विनेश को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई, तब भी हौसला बढ़ाने के लिए राहुल गांधी आगे आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और भी अधिक मजबूती से वापसी करेंगे। आपने हमेशा से देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खेल खिलाड़ी प्रेमी माने जाते हैं। वो विनेश के घर पहुंचे, उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी को लिए। कहा कि जब विनेश जीती तो एक संदेश तक नहीं दिया, लेकिन बाहर हुई तो चैंपियन बताने लगे। हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं। पापा, मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे, हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं। जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों के चैंपियन हो गया। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। मोदी सरकार एक बार फिर फेल हुई। ये वही विनेश फोगाट तो है, याद करिए, जिसने पूरे साल 2023 में मोदी जी के चहेते सांसद और भारतीय रेसलिंग एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं के खिलाफ एक पूरा लंबा आंदोलन चलाया। उसके बाद मोदी सरकार ने इसी हमारी बेटी विनेश फोगाट पर FIR दर्ज करवाया। इन सब बातों के बावजूद विनेश फोगाट ने ना अपना शौर्य खोया, ना धैर्य खोया और देश का तिरंगा लहराया। विनेश के गेम से आउट होने पर नाराजगी बढ़ी तो सरकार एक्शन में आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, सोशल मीडिया पर संदेश लिखा, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष PT उषा से बात की। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पा जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट। खेल मंत्री ने संसद में विनेश पर सरकार का पक्ष रखा, लेकिन ये विपक्ष को रास नहीं आया, क्योंकि इसमें खेल मंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। जब सारी दुनिया के खिलाड़ी मैट पर प्रैक्टिस कर रहे थे तो ये हमारी बेटी धरने की दरी पर बैठकर हमारी बेटियों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने में मजबूर थी, फिर भी वो अपनी मेहनत से पहुंची। ये कहाँ चूक हुई, किस स्तर पे चूक हुई, अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इन सब को लेकर पूरे देश के मन में कई प्रश्न हैं जो पूरा देश पूछना चाहता था। आज मंत्री जी के जवाब में इन बातों पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, और कहीं ना कहीं मुझे तो दाल में भी कुछ काला लग रहा है। पता नहीं ये रेसिज्म है या सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया, ये देश के शान की बात है। और ये 100 ग्राम वाली जो चीज है ये तो किसी को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये कोई नहीं भूलता कि ये विनेश फोगाट फॉरफ्रंट में थी, जो रेसलर्स के साथ जो इधर उनको बैठ के उनको धरने देने गए उस लड़ाई में वो फॉरफ्रंट में थी। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सांसदों का गुस्सा दिखा। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष के सांसद भी विनेश को ढांढस बंधाते नजर आए। इट इज वेरी सरप्राइजिंग एंड बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना मतलब कितना महत्व है अपना वेट को वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को सबको कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर, आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली। बड़ी जो है हम सबके लिए एक आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही दुखद बात है कि उस लड़की के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। तो बहुत अच्छी जो है हमारी खिलाड़ी है और उसके साथ देश में भी अन्याय, विदेश में भी अन्याय है। और आप इतने राउंड हो गए, जब चैंपियन के लिए फाइनल में पहुंच गई तभी आपको वजन समझ में आया कि वजन ज्यादा है, इसके पहले क्यों नहीं हो सकता था। तो इस मामले को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से टेकअप करना चाहिए, खेल मंत्रालय को, और सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए। और इसी तरह से जो है मेरा मानना है कि जो साथ में अधिकारी गए हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो क्या देख रहे थे। देखिए पूरा जो हमारा विपक्ष है वो एकजुट है, हम लोग हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, खासकर विनेश फोगाट जी के साथ। उन्होंने बहुत अच्छा अब तक प्रदर्शन दिखाया और कल पूरा देश उनके लिए जश्न मना रहा था। आज बहुत हमें अफसोसजनक एक खबर मिली कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो इसमें सरकार से जवाब तलब हम सब इकट्ठा होकर कर रहे थे। और यही हम चाहते हैं कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण करे और जवाब दे। देश की बेटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े खेल में जो हुआ उसे सांसद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका गुस्सा सामने आ रहा है, वो सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ब्रॉन्ज मेडल में विनेश ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था, आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं बचा है। सेमीफाइनल में जिस तरह का प्रदर्शन उसने किया, बहादुर सैनी की तरह लड़ी वो, और मुझे उम्मीद थी कि फाइनल में वो बहुत मजबूत धूल चटाती, देश का गौरव बढ़ाती, 140 करोड़ लोगों के सम्मान की रक्षा करती, हम लोगों को खुश होने का नारा लगाने का मौका देती। लेकिन भाजपा के लोग तो भारत माता की जय का नारा लगाए सिर्फ, लेकिन उस बेटी के गौरव के लिए हम लोग चिल्लाए, डेढ़ घंटा हम लोग खड़े रहे कि जवाब दो जवाब दो, मीडिया में न्यूज आ गई है, तो सरकार स्पष्ट करे क्या स्थिति है, क्या हुआ है, कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, उसके साथ कोई साजिश हुई है, उसको कमजोर करने का प्रयास किया, ये हम लोग किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही दर्द का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है कि इतनी टेक्निकलिटी के मामले में यार लकीर का फकीर बन के, जबकि सारी कुश्तियाँ जीती, पहली बार हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट जो कमिटमेंट वाली लड़की है, इतनी बढ़िया लड़की है, इतने बढ़िया परिवार से आती है, उसके गुरु द्रोणाचार्य वो उनको भी देखा कल, उस पर फख्र करते हुए और नाज करते हुए आज उसको टेक्निकलिटी के मामले में 100 ग्राम के आसपास की बात करते हुए उसको इससे बाहर कर देना, इस फाइट से या टूर्नामेंट से या ओलंपिक से, ये वाकई बहुत दर्द का विषय है।
जब आप उनपे लाठीचार्ज कर रहे थे, जब ये देश की महिलाएं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप उनके उनको न्याय देंगे, तब आप विभूषण चरण सिंह को का बचाव कर रहे थे। आज भी देश की महिलाएं आपकी तरफ देख रही हैं और कह रही हैं कितना और झूठ बोलोगे आप, हमें पाठ पढ़ा रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मीडिया एंकर से लेकर मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया पे उनका नाम बदनाम करने की कोशिश